करना है। दूसरी जगह हमारी ये देखिए आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया का है, ये देखिए ये खूबसूरत सा व्यू है। और सिंघम मूवी का एक सीन यहाँ शूट हुआ था, स्क्रीनशॉट लगा देने हैं, देख लीजिएगा। और एक्चुअली में ये एक म्यूज़ियम है, लेकिन फिल्म में कुछ और दिखाया गया है। और जो यहाँ का व्यू है बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि जो लैंडस्केप स्क्रीन पर जब इसे दिखता है कमाल का दिखता है। अभी पता नहीं अंदर में कैमरा अलाउड है या नहीं है, क्योंकि हर जगह तो सिस्टम हो गया कि कैमरा अलाउड नहीं होता है। अब अंदर में जैसे जहाँ आर्ट गैलरी थी वहाँ कैमरा अलाउड नहीं था और वो चार्जेस में था, तो आर्ट गैलरी तो मैंने स्किप कर दिया है। आर्ट गैलरी में जब कैमरा अलाउड नहीं है तो अंदर जाके करेंगे क्या और देखेंगे क्या। तो ये म्यूज़ियम के अंदर का कुछ सीन है, हालांकि वीडियोग्राफी करना अलाउड नहीं था, फिर भी हम कुछ वीडियो शूट किए हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है देखने के लिए, दिखाने के लिए, बहुत सारे लोग म्यूज़ियम नहीं जाते हैं, इसके लिए मैंने ये वीडियो शूट किया ताकि वो आएँ और देखें। आपकी हिस्ट्री से बहुत सारी जुड़ी होती हैं, आपको वो सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी और सी होती हैं जिसे आपको देखना चाहिए, उससे कुछ इंस्पिरेशन ले सकते हैं। तो म्यूज़ियम के बहुत सारी चीज़ें हैं जो देख सकते हैं लोग। अब बहुत सारे लोग इसे स्किप कर देते हैं, देखना चाहिए क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, आपके हिस्ट्री से जुड़ी चीज़ें हैं, आपके कल्चर से जुड़ी चीज़ें हैं, और सबसे ज़्यादा ये आपके सिविलाइजेशन से जुड़ी है। सामने यहाँ पर ये म्यूज़ियम और ये है ठीक ओल्ड गोवा जो चर्च है उसके सामने में है। और म्यूज़ियम का चार्जेस लगते हैं 10 रुपीज़। आर्ट गैलरी जो है, आर्ट गैलरी में मैंने कहा वहाँ का टिकट चार्जेस 20 रुपये है। दोनों जगह में आप सेल्फी नहीं ले सकते हैं, आर्ट गैलरी में पूरा मना है, हालांकि आप म्यूज़ियम में फ़ोटो ले सकते हैं, सेल्फी नहीं ले सकते हैं, और वीडियो दोनों जगह बनाना मना है। यहाँ का जो म्यूज़ियम है और जो आर्ट गैलरी का जो एरिया है बहुत ही बड़ा है, काफ़ी खूबसूरत है। और यहाँ का जो ये जो स्ट्रक्चर है ये बहुत पुराना है, जिसकी वजह से देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो इन्जॉय कर सकते हैं आप यहाँ पर आराम, घंटों घंटों आप वेट कर सकते हैं, और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है, फ़ोटो यहाँ कमाल की आती है। तो आइए ओल्ड गोवा और एक चर्च दे जो है, और ये आपका म्यूज़ियम और आर्ट गैलरी दोनों एक ही जगह में कवर हो जाएंगे। म्यूज़ियम के लिए बहुत ज़्यादा 5 मिनट लगेंगे, आर्ट गैलरी मैंने कवर नहीं किया है, और फोटोग्राफी के लिए फिर आपको जितना टाइम देना आप दे सकती हैं। तो एंजॉय कीजिए। खूबसूरत इसका ये आर्किटेक्चर डिज़ाइन बना हुआ काफ़ी खूबसूरत है, और
ये सामने जो सामने हरी हरी घास लगी हुई है उसके वजह से ये और भी खूबसूरत दिख रहा है। देखते हैं अंदर में क्या है क्या नहीं है। और इस तरह से ये काफ़ी कमाल का ये देखिए गार्डनिंग किया हुआ है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये। और अंदर में क्या है वो देखते हैं, चलिए अंदर में। और इस चर्च के अंदर में सिर्फ एक ही कपल बैठा हुआ था और कोई नहीं था अंदर में, और चर्च भी कुछ खास वैसा नहीं है। उधर के जो चर्चेज है उसके मुकाबले में ये थोड़ा सा उतना अट्रैक्ट नहीं करता लोगों को, इसीलिए शायद लोग यहाँ पर कम ही आते हैं या कोई होता ही नहीं है। तो आपको और एक चीज़ दिखाते हैं, ये है सिर्फ आदिल शाह राजमहल का द्वार, बस ये गेट ही बचा। और पता नहीं ये गेट को बनाया गया है या सिर्फ बचा है ये नहीं मालूम। ये आप ये यहाँ पढ़ सकते हैं, इसके बारे में ये लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर ये पढ़ सकते हैं। हालांकि इसके पीछे में कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ है ना ही कुछ और है, बस ये एक गेट बचा है। तो शायद ये गेट हो सकता है कहीं से और ला करके रखा गया होगा। गोवा की खूबसूरती निखारते निखारते है, उसके खूबसूरत चर्चों को निखारते है, बीच के अलावा भी और खूबसूरती है ये गोवा में। ये देखते देखते हम पहुंच चुके हैं एक ऐसे लोकेशन पे जो आपने मूवी में देखी थी, सन 2000 में आई फिल्म शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय बच्चन की जो मूवी थी जोश, उसमें इस चर्च का यूज़ हुआ था। इस चर्च का नाम है माँ दे दियोस चर्च। हालाँकि चर्च बंद हो चुका है, 5 बजे का टाइम है तो लोग पब्लिक है ही नहीं। और ये देखिए खूबसूरत सा चर्च, ये वही चर्च है जो आपने मूवी में देखा था। और मैं ये दिखा दूँ, ये इसका पूरा गार्डन। हालांकि 2-3 बच्चे जो है वहाँ पर वो खेल रहे हैं और कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, बस इतने ही लोग हैं, बाकी चर्च तो बंद हो गया है, कोई भी पब्लिक नहीं है, भीड़ भाड़ नहीं है। डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत है, स्ट्रक्चर काफ़ी खूबसूरत है। और मूवी में अगर आपने देखा उसके बाद ये देखते हैं, जब रियल लोकेशन में देखते हैं तो चीज़ें, जो चीज़ आप मूवी में देखते हैं उसके बाद रियल लोकेशन में देखते हैं तो चीज़ें बदल जाती हैं, आपको वो एहसास होने लगता है। तो आइए इस तरह की चीज़ों को एक्सप्लोर करते हुए देखिए। हमने कहा था कि ये गोवा में सिर्फ बीचेस नहीं है, गोवा में और भी बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें हैं, तो हम आपको वो सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। तो प्लीज़ उनको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं किसी और जगह में किसी और वीडियो में, आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, कल मिलेंगे और कल कुछ और चीज़ें दिखा रहे। तब तक के लिए बाय बाय। आराम बोल बीच और ये जगह बिल्कुल आराम करने लायक है, बहुत ही खूबसूरत है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर फॉरनर ही दिखेंगे, इंडियन हैं लेकिन उससे ज़्यादा यहाँ पर फॉरनर दिखेंगे, बहुत सारे हैं। इसे एक तरह का रशियन बीच भी कहते हैं।